जी फिर आज हमारे पास आज रेल भाई आए हैं, तो आज रेल भाई भी कलाम लिखते हैं बहुत अच्छे अच्छे तो आज रेल भाई से हम कलाम सुनते हैं। जी रेल भाई आज कौन सा कलाम सुनाने लगे हैं? भाई कलाम तो बहुत है लेकिन मैं आपको कलाम सुनाऊंगा, यानी कि मेरा एक दोस्त है वो उम्र पे जा रहा था, तो मुझसे मिलने के लिए जब आया ना तो मेरे दिल में भी बड़ा यानी कि ये आया कि यार मैं भी मुझे भी जाना चाहिए, अल्लाह ताला मुझे भी बुलाए, हमारे प्यारे नबी हम पर करम करें हम भी जाएं। तो इस हवाले से ये मैंने कलाम लिखा था कि लोग मिलते हैं जब मदीने जाते हुए, लोग मिलते हैं जब मदीने जाते हुए, हम तो रह जाते हैं हसरत से बस उन्हें यूं ही तकते हुए। क्या बात है, क्या बात। एक दिन खुद से मैं यूं हम कलाम हुआ कि मैं कब जाऊंगा मदीने, सरकार कब मुझको बुलाएंगे, एक तड़प उठी दिल को तड़पाते हुए, तो मैं गिर गया सजदे में रोते हो तड़पते हुए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। फिर अचानक से किस्मत बदली और एक सदा आई कि लोग जाते हैं मदीने में हमसे मिलने के लिए, तुम क्यों रोता है पगले, तुझसे मिलने के लिए हम खुद हैं यहाँ आए। मैंने जो सर उठाकर देखा तो चारों तरफ नूर ही नूर था छाए हुए, काबे के रुख जो देखा तो वहां सरकार से तशरीफ लाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं उठा कि मैं तो गुनाहगार हूँ, बदकार हूँ, सयाकार हूँ, ये कहकर गिर गया मैं सरकार के कदमों में, गिर गया मैं सरकार के कदमों में ये कहते हुए, सरकार ने मुझको कदमों से उठाया, सीने से लगाकर फिर यूं फरमाया। नहीं भाई ये लाइन बहुत अच्छी है, सीने से लगा कर फिर यूं फरमाया कि हम तो बैठे थे अर्श पे अपने यार के साथ, अपने दिलबर, अपने महबूब, अपने रब्बे जुलजलाल के साथ, कि इतने में वहां रोते और तड़पते हुए तेरी सदा आई। यह आप दुआ भी कह सकते हैं, रोते और तड़पते हुए तेरी दुआ आई, और बड़े अदब से बोली वो हमसे यूं रोते हुए, क्या बात, कि मेरे आका आपका एक आशिक है दीवाना है, नाम है जिसका चिश्ती। क्या बात, ये भी मैं चिश्ती हूँ ना तो मैं अपने कलाम में चिश्ती लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। बेशक आपके दीदार की हसरत में मर न जाए कहीं वो यूं रोते, इतना सुनना था कि देख तुझसे मिलने के लिए हम खुद हैं यहाँ आए। जी जी अब मैं सरकार से रोते हुए फरमा रहा हूँ कि मुझसे जमाने भर में ना कोई खुश नसीब होगा कि जिसके चारों तरफ सरकार की रहमत के हैं साए छाए हुए। सरकार मुझसे कह रहे हैं कि तू ना रो ना कोई फरियाद कर, तू जा कर मेरी सुन्नतों को अदा कर, तू जो करता रहेगा आज ही से इबादत अपने रब की, मेरी शफाअत तेरे साथ रहेगी। क्या बात, चल दिए सरकार मुझको यूं फरमाते हुए, बेखुदी से जब मैं होश में आया, ये खुद ही आपको पता नहीं भाई ये छा जाती है जब ये बंदा होश में नहीं रहता। बेखुदी से जब मैं होश में आया बहुत रोया और यूं चिल्लाया कि अब न जाने कब होगी इस गुनाहगार की मुलाकात उस दो जहां के सरदार के साथ, ऐ खुदा मैं मर क्यों ना गया सरकार के कदमों में गिरते हुए, ऐ खुदा मैं मर क्यों ना गया सरकार के कदमों में गिरते हुए। क्योंकि नहीं भाई उसके बाद इंसान का जीने का दिल ही नहीं करता, नहीं करता जनाब, नहीं तो बस इसलिए यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया। इसके आगे भी कुछ लाइनें थी लेकिन मैंने कहा नहीं ये बेहतर है, यहाँ पे मैंने बिल्कुल स्टॉप कर दिया। जी कमेंट में बताना आपने कैसा आपको लगा ये माशाल्लाह जो भाई ने पढ़ा है, तो प्लीज़ लाइक भी करें और शेयर भी करें और लाइक घंटी का बटन दबाना और मेहरबानी आपकी, थैंक यू, शुक्रिया।